नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली खत्म लेकिन अभी भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है आईफोन 13। ऑफर खत्म होने से पहले ऐसे पाए सस्ते में। दिवाली के जाते ही फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की दिवाली सेल भी खत्म हो चुकी है। सेल के दौरान कई प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते में मिले हैं। लोगों ने भी सेल का खूब फायदा उठाया। सेल के दौरान आईफोन 12 की खूब धूम रही है। धमाकेदार डिस्काउंट के साथ लोगों ने पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन 12 को खरीदा। सेल के दौरान आईफोन 13 भी चर्चा में रहा है। कुछ महीने पहले पेश हुआ आईफोन 13 पर भी 24,000 से रुपए की छूट मिली थी। दिवाली जा चुकी है लेकिन आईफोन 13 पर ऑफर अभी भी मिल रहा है। अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मौका अभी भी नहीं है। ऑफर खत्म होने से पहले आप आईफोन 13 को काफ़ी सस्ते से खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आईफोन 13 को भारत में 128 GB बेस वेरिएंट के लिए 80,000 रुपये में लॉन्च किया गया था। एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर इंडिया आई स्टोर आईफोन 13 पर आकर्षित छूट दे रहे हैं। आप आईफोन 13 को 55,900 रुपये में खरीद सकेंगे। 79,900 रुपये वाले आईफोन 13 पर HDFC बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 6,000 रुपये की छूट मिल रही है और EMI पर खरीदारी पर भी यह ऑफर लागू रहेगा। कुछ छूट मिलने पर इसकी कीमत घटकर 73,900 रुपये हो जाएगी। आईफोन 13 पर 18,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। अगर आप पुराना आईफोन एक्सचेंज करते हैं तो इसका ऑफ मिल सकेगा। साइट बताती है कि पुरानी आईफोन XR 64 GB की कीमत 18,000 रुपये तक होगी। पूरा ऑफ पाने के बाद भी फ़ोन की कीमत 55,900 रुपये हो जाएगी। आईफोन 13 में 25:32x1176 रिजोल्यूशन वाला 6.1 इंच का सुपर रिटिना XRD OLED डिस्प्ले है। प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और इसमें पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो अब वर्टिकल के बजाय विकर्ण के है और बेहतर क्वालिटी का लिए थोड़ा बड़ा भी है।